गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज गिव द हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पूरी हिस्ट्री मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इसके बारे में किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बने हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं स्टेप वाइज। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मैं बता रहा हूं। स्टेप फर्स्ट, थोड़ा सा कल भी मैंने ये डिस्कस किया था, फैराडे, इट वाज फैराडे, सबको पता है। फैराडे ने क्या बताया, इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। ये कॉन्सेप्ट किसने बताया बेटा? ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट चलती है, और करंट के साथ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब हो गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड सबको पता है, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर से डिनोट करते हैं, ये फैराडे ने बताया। तो इसके बाद बेटा आया मैक्सवेल। मैक्सवेल ने जो बताया, इट इज बेस्ड ऑन नेचर लव्स सिमेट्री, इट इज बेस्ड ऑन नेचर लव्स सिमेट्री। तो मैक्सवेल ने बताया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये कौन बोलता है? मैक्सवेल। मैक्सवेल पॉइंटेड एट नेचर लव्स सिमेट्री, इफ मैग्नेटिक फील्ड, इफ ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, या इस तरीके से हम बताएंगे, इफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, देन according to Maxwell, if electric field changes, magnetic field is produced. ये बोलता है, nature love करती है symmetry को, अगर magnetic field के change होने से electric field बनता है, then electric field के change होने से क्या बनना चाहिए बेटा? Magnetic field। साथ में बताता है, ये आगे बताता है, अगर if इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ही ऑल्सो पॉइंटेड दैट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर चेंजिंग, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए साइमल्टेनियसली एट राइट एंगल्स, If electric field and magnetic field are changing simultaneously, एक साथ, अगर electric field और magnetic field को change किया जाए at right angles, then electromagnetic disturbances are produced in space. These electromagnetic disturbances have wave-like properties, therefore they are called electromagnetic waves. इस तरीके से electromagnetic waves हमारे पास आ गई। मैं फिर से बताता हूं, ये फैराडे था, फैराडे ने कहा अगर magnetic field के change, अगर हम magnetic field change करेंगे तो electric field बनता है, ठीक है बेटा। मैक्सवेल ने कहा
नेचर लव करती है सिमेट्री। अगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या बनना चाहिए बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। वो साथ में बताता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को साइमल्टेनियसली चेंज किया जाए एट राइट एंगल्स, तब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस होती है स्पेस में। डिस्टर्बेंस जब प्रोड्यूस हो गई स्पेस में, उन डिस्टर्बेंसेस को वेव लाइक नेचर होता है, वेव लाइक नेचर होता है उन डिस्टर्बेंसेस का, इसलिए उन डिस्टर्बेंसेस को ही नाम दिया गया है वेव्स, उन डिस्टर्बेंसेस को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दिस इज सेटअप नंबर फर्स्ट, याद रखे बेटा। देन इट इज स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप सेकेंड, इधर देख लीजिए, स्टेप सेकेंड क्या है? दिस इज स्टेप नंबर सेकेंड रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टेप है, इधर देख लीजिए बेटा, दीज आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, इधर से शुरू करेंगे बेटा, इधर देख लीजिए, दीज आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ओ एक्स वाई और जेड, ठीक है, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, ये बाहर की तरफ एक्चुअल में ऐसे होती है, ठीक है, दीज थ्री एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इधर देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चेंज करूंगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाऊंगा किस साइड? अलॉन्ग वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड दिखाऊंगा अलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है, इधर देख लीजिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको समझाऊंगा अभी, इधर सुनिए, देख लीजिए, मैं आप लोगों को ये पूरी तरीके से समझाऊंगा। इधर देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, जितना इधर देखो चेंज कैसे हो रहा है, यहां पर मैग्नीट्यूड, यहां पर मैग्नीट्यूड, यहां पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इधर देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अलॉन्ग जेड एक्सिस, इधर देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये घूम घूम के चलती है, ये ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे रोटेट करके चलती है, इधर देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड वाला एनवलप ऐसे आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ऐसे, इधर देखो ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड चलता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ये फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसे ऐसे, वेव बढ़ती है, ये मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्केच बताता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फिर से मैग्नेटिक फील्ड, आप देखो ये डायग्राम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, मैं इसमें बताता हूं, इधर सुनिए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अलॉन्ग जेड एक्सिस,
देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपगेटिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपगेटिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव परपेंडिकुलर होती है उन एक्सिस पर जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। याद रखें, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अलॉन्ग जेड एक्सिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। याद रखें, दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये डायग्राम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ठीक है बेटा, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो दिस इज स्टेप नंबर टू। नाउ द स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय द रिलेशन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय द रिलेशन c इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 रेज पावर माइनस 7, एप्सिलॉन नॉट का 8.85 इंटू 10 रेज पावर माइनस 12। अगर दोनों का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कम्स आउट 3 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्टेप थर्ड। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय द रिलेशन c इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक ही स्पीड होती है, विच इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्टेप फोर्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव ट्रांसवर्स नेचर, लॉन्गिट्यूडनल नेचर इनका नहीं होता है। इनका कौन सा नेचर होता है बेटा? ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर होता है किनका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ट्रांसवर्स नेचर आप लोगों को पता है और पढ़ा भी। स्टेप फिफ्थ, इधर देख लीजिए बेटा, इन 1885 इट वाज हर्ट्ज। 1885 में हर्ट्ज ने सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताया, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कवर किया। देख लीजिए बेटा, इन 1885 इट वाज हर्ट्ज हु वाज एबल टू डिस्कवर द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है बेटा, इन 1895 इंडिया का साइंटिस्ट है जेसी बोस। इन 1895 इट वाज जेसी बोस, रिमेंबर इट, इन 1895 इट वाज जेसी बोस हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हु प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में जेसी बोस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रेजेंस दिखाई। ठीक है बेटा, इन 1899 इट वाज मार्कोनी। मार्कोनी ने बाद में रेडियो भी डिस्कवर किया। इट वाज मार्कोनी हु वाज एबल टू ट्रेवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओवर फ्यू किलोमीटर्स। बेटा, जिस पर आज पूरा मोबाइल सिस्टम, रेडियो, टेलीविजन चलते हैं, वो है ट्रेवलिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट,
हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। मोबाइल चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर, आजकल टीवी, रेडियो, ये जितने भी चीज़ें हैं कम्युनिकेशन के, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर चलते हैं। और इनको सबसे पहले ट्रेवल कराया मार्कोनी ने, लेकिन किस ईयर में? 1899। मगर उस वक्त फ्यू किलोमीटर्स, आज तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रेवल करा सकते हैं। इट वाज मार्कोनी हु वाज एबल टू ट्रेवल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओवर फ्यू किलोमीटर्स। दिस इज ऑल हिस्ट्री अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है बेटा, थैंक यू।